सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निखिल वर्धन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बजाज के बाइक के सेल्फ के ऊपर। तो दोस्तों, फ़िलहाल मेरे पास है बजाज डिस्कवर 125 cc। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी मैं इसका सेल्फ मार रहा हूँ तो टिक टिक का साउंड आ रहा है, लेकिन जो है कि इसका सेल्फ मोटर नहीं काम कर रहा है और इसका सेल्फ रिले मतलब काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं इसका इग्निशन ऑन कर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें से साउंड आ रहा होगा आपको, जो ये देखिए टिक टिक का इसमें से साउंड आ रहा है, लेकिन इसका जो है कि सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है टिक टिक का, ये हम लोग कहा रहा है सेल्फ रिले से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल्फ रिले इसका चेक करना है। तो सेल्फ रिले हम लोगों का इस साइड इस पैनल में लगा होता है, इस पैनल के अंदर, ठीक है। इस पैनल को सबसे पहले हम लोगों को निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको पीछे की तरफ इसको खींचना है। ये देखिए, हम लोग का ये पैनल निकल गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हम लोग का सेल्फ रिले है, देख सकते हैं आप, ये हम लोग का सेल्फ रिले है। तो इसी में से टिक टिक का साउंड आ रहा है, देखिए ये वाइब्रेट भी कर रहा है और इसमें से टिक टिक का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सेल्फ रिले अपना चेक करना है कि सही है, सेल्फ रिले ख़राब है या फिर और कुछ ख़राब है या सेल्फ कार्बन ख़राब है, तो क्या करना है आपको, कुछ इस टाइप से ले लेना है, ठीक है। और आपको इस दोनों कवर को ऊपर कर लेना है, ठीक है। दोनों कवर ऊपर करने के बाद आपको ऐसे मौका स्टार्ट हो गया गाड़ी, ठीक है। तो ये दिक्कत हम लोग का सेल्फ रिले से है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग का सेल्फ रिले से आ रहा है, ठीक है। अगर इसको ऐसे इसको दोनों को एक में जॉइंट करने के बाद भी अगर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका सेल्फ कार्बन या फिर सेल्फ जल गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी सटाया इसको, तो इन दोनों को मैंने जॉइंट किया तो ये स्टार्ट हो गया। तो ये हम लोग का सेल्फ रिले ख़राब है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको सबसे पहले निकालने के लिए हम लोगों को ये दोनों 10 नंबर के नट को निकालना है, ठीक है। इन दोनों 10 नंबर के नट को निकालने के बाद एक यहाँ सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट को निकालना है। तो सबसे पहले मैं 10 नंबर का ये बोल्ट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों नट को पहले ढीला कर लेना है, ठीक है। और इसको ढीला करने के बाद आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। और इसको निकाल देना है ऐसे, और इसके बाद इसके अंदर एक सॉकेट लगा है, उस सॉकेट को भी आपको निकाल देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हम लोग का है सेल्फ रिले जो है कि ख़राब हो चुका है। तो इसमें हम दूसरा सेल्फ रिले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हम लोग का ये जो ख़राब सेल्फ रिले है, और एक मेरे पास पुराना सही सेल्फ रिले पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं इसमें लगा के देखता हूँ कि प्रॉब्लम हम लोग का सेल्फ रिले से है कि कहीं और से है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो प्रॉब्लम ये जो आ रहा है, ये हम लोग का 100% सेल्फ रिले से है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक बार ट्राई करके देख ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों नट को खोल देना है। दोनों नट को खोलने के बाद हम लोगों को इसको इसमें लगा देना है, और इसको इसमें लगा देना है, और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। इसको टाइट करने के बाद इसको हम लोगों को इस सॉकेट को अंदर की तरफ लगा देना है। अंदर एक सॉकेट लगा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये सॉकेट उसमें जाके फिट हो जाता है। तो हम लोगों को इसमें लगा देना है अच्छे से, और हम लोगों को इस सेल्फ रिले को यहाँ पे लगा देना है। एक नट लगता है, नट बोल्ट लगा के यहाँ पे आपको सेल्फ रिले को यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, इसको टाइट कर लीजिए आप सेल्फ रिले को यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसका सेल्फ रिले को यहाँ पे लगा दिया है और अच्छे से इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, इसका सेल्फ रिले काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर ले रहा हूँ और मैं इसका सेल्फ बटन को प्रेस कर रहा हूँ।
ये देखिए हम लोग का गाड़ी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर मैं एक बार बंद कर देता हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ और फिर देखिए ये देखिए फोन से स्टार्ट हो गया है। ये जो हम लोग का प्रॉब्लम था ये सारा सेल्फ रिले से था, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका सेल्फ रिले चेंज कर दिया है और जो इसका स्टार्टिंग का सेल्फ का प्रॉब्लम था वो सही हो गया है, ठीक है। तो अगर आपके भी बाइक में अगर टिक टिक का साउंड आ रहा है और सेल्फ रोटेट नहीं हो रहा है या फिर सेल्फ मोटर काम नहीं कर रहा है तो आप इसी तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब सेल्फ रिले ये जो जितना भी ये टिक टिक का साउंड आता है मतलब 99% जो है कि आपका सेल्फ रिले ख़राब है, ठीक है। तो आप सेल्फ रिले अपने बाइक का चेंज कर लीजिए और आपका सेल्फ जो है कि काम करने लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।